अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सात और उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, उसकी वजह यह है कि आज मैं आपको आईज की क्लीनिंग के ऊपर बताऊंगा, इन्फेक्शन के ऊपर बताऊंगा कि क्या सलूशन हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी से तीन चीज़ें बताना चाहूँगा, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। पहली चीज़ ये कि आप किन चीज़ों के साथ आईज की क्लीनिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप आँखों के बारे से क्या चीज़ लगाएं, कौन सी प्रोडक्ट लगानी चाहिए जिसकी वजह से परमानेंटली आपके जो किटन्स की या कैट्स की आईज हैं वो गंदी ही ना हो बिल्कुल भी, आपको बार बार साफ़ ना करनी पड़े, स्टार्च ना जमा हो। और तीसरी चीज़ ये है कि कोई भी पस वगैरह पड़ जाए आंखों के अंदर, कोई किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो, तो आप कौन सा ड्रॉप यूज़ करेंगे जो आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा कि आप लोग मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो है कॉटन, उसके अलावा हम यहाँ पे अड़के गुलाब यूज़ करेंगे। इसकी जगह पानी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अड़के गुलाब ज़्यादा बेहतर रहता है, अच्छे तरीके से सफाई हो जाती है। ये सिर्फ मैं आपको डेमो दूंगा क्योंकि इसकी आंखें ऑलरेडी साफ़ हैं। यहाँ पे जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ उसके बारे में आपको बताऊँगा जिससे परमानेंटली आँखें साफ रहती हैं, गंदी नहीं होती, जमता नहीं है वहाँ पर गंद वगैरह। उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताता हूँ। उसके अलावा नाक भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, मुँह के आसपास भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया करें। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यार कुछ ऐसा बताओ कि हमारी कैट्स की आईज जो हैं वो गंदी ही ना हो, हमें बार बार साफ़ करनी पड़ती हैं, या लोग लेज़ी होते हैं वो साफ़ नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, उस वजह से इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जो मैं अपनी कैट्स करवाता हूँ, डी स्टेन या स्टेन रिमूवर आप कह सकते हैं, किसी भी कंपनी का आपको मिल सकता है बाहर से, उसके लगाने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर अपने वो अपने लेयर बना लेता है यहाँ पर, और जो स्टार्च निकलता है आँखों से वो वहाँ पर जमता नहीं है बल्कि वो नीचे गिर जाता है उसकी बजाय। इसलिए बार बार आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आँखें गंदी नहीं होंगी, आपकी कैट जो है वो गंदी नहीं दिखेगी और कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा इस वजह से आपकी कैट को। और ये जो प्रोडक्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको मेरे फेसबुक पेज से ही मिल जाएगा, उसका लिंक नीचे मैंने दिया हुआ है। इंस्टाग्राम का भी जो पेज है उसका लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको मेरे पेज से मिल जाएंगी जो कि आपकी कैट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। फिर तीसरी और बहुत ज़्यादा अहम चीज़ जो ये है कि आँखों में इन्फेक्शन हो जाए तो क्या करें। पहली बात मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग के पास अगर वेट आसपास है या कॉन्टैक्ट में है उससे एक दफ़ा ज़रूर दिखा दें। अगर उसके बाद भी कोई ऑप्शन नहीं है तो ये एक ड्रॉप है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, शायद आपको नज़र आ जाए, टोब्रेक्स नाम है, यहाँ पर मैंशन कर दूँगा। टोब्रेक्स लेना है आपने, टोबरा डी या टोबरा वगैरह कुछ नहीं लेना आपने। 250 से 300 रुपये का ये ड्रॉप है, किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा और ये इतना फ़ायदेमंद ड्रॉप है, आप इसको आईज की क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कानों की क्लीनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरह मर्ज़ी का गंदा इन्फेक्शन हो, जैसा मर्ज़ी इन्फेक्शन हो, ये आंखें बिल्कुल क्लियर कर देगा इंशाल्लाह ताला। दिन में दो दफ़ा लगाना है, दो दो कितने आपने डालने हैं और इंशाल्लाह एक से दो दिन में आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मेरा कहीं इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा, वहाँ मैं अपडेट करता रहता हूँ, आपकी कोई प्रॉब्लम हो मुझसे वहाँ पर कंसल्ट कर लिया करें वहाँ पे, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कोई प्रॉब्लम हो ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूँ। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।